नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश शाह और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले अन्य रोगों की जानकारी मिल सके। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मैंने विटामिन ए के बारे में बताया है। विटामिन ए हमारे बॉडी को कैसे मिलता है, उसके फंक्शन क्या है, उसकी उणप से क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, यह सब मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। विटामिन ए हमें प्राणीजन्य ओरिजिन जैसे कि दूध, अंडे, फिश, बटर, चीज में से या फिर हरी सब्जियां जैसे कि ब्रोकली और पालक में से या फिर गाजर, स्वीट पोटैटो, पम्पकिन जैसी ऑरेंज और येल्लो सब्जियां तथा टमाटर में से ज्यादा प्रमाण में मिलता है। अब हम जानते हैं कि विटामिन ए हमारे शरीर में कौन से कार्य में उपयोगी है ताकि हमें विटामिन ए का महत्व पता चल सके। विटामिन ए हमें नॉर्मल विजन के मेंटेनेंस में, इम्यूनिटी में, लिपिड मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन में, इन्फेक्शन से रेजिस्टेंस में, सोरियासिस की ट्रीटमेंट में, मुंह पर हुई एक्ने की ट्रीटमेंट में और एंटीऑक्सीडेंट में उपयोगी है। अभी हमने जाना विटामिन ए के फंक्शन के बारे में। अब हम जानते हैं विटामिन ए की कमी किन लोगों में देखने को मिलती है। विटामिन ए की कमी लोग जिनके आहार में विटामिन ए की ज्यादा समय से कमी रही हो, प्री स्कूल चिल्ड्रन, जिन बच्चों ने अभी ही चलना शुरू किया हो, वेजिटेरियंस, जो लोग अल्कोहल का सेवन कुछ लंबे समय से करते हो, उनमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ जो लोग कुछ रोग जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्रॉनिक डायरिया, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, सिरोसिस से पीड़ित हो, उनमें भी विटामिन ए की कमी ज्यादा प्रमाण में देखने को मिलती है। अब हम जानते हैं कि विटामिन ए की कमी होने से हमारे बॉडी में कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। विटामिन ए की कमी होने से बाइटॉट स्पॉट्स, जेरोप्थेल्मिया यानी कि ड्राई आई, नाइट ब्लाइंडनेस, कैरेटम मलेशिया मतलब कॉर्निया हेजी होना और बाद में उसके इरोजन से डिस्ट्रक्शन होना और इन्फेक्शन की ससेप्टेबिलिटी बढ़ना और विटामिन ए की कमी से विजुअल पिगमेंट्स का कम हो जाना, उससे लाइट का एब्जॉर्प्शन कम होना जो व्यक्ति को ब्लाइंडनेस की ओर ले जाता है। विटामिन ए की कमी से कुछ अन्य लक्षण जैसे कि थकान लगना, डायरिया, बोन डेवलपमेंट कम हो जाना, इनफर्टिलिटी होना, ग्रोथ कम हो जाना जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। अब हम जानते हैं विटामिन ए के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर जेरोप्थेल्मिया मतलब ड्राई आई हो तो विटामिन ए के 60 मिलीग्राम के 3 डोज डे 0, डे 1 और डे 14 को दिया जाता है। विटामिन ए की कमी होने से बचने के लिए प्रोफाइलैक्टिक डोज 60 मिलीग्राम हर 6 महीनों पर दिया जाता है। बच्चों में विटामिन ए की कमी ना हो उसके लिए 6 महीने से कम उम्र के बच्चों में 50,000 इंटरनेशनल यूनिट का एक डोज, 6 से 12 महीने के बच्चों के लिए 1,00,000 इंटरनेशनल यूनिट का विटामिन ए का एक डोज और 1 से 5 साल के बच्चों में 2,00,000 इंटरनेशनल यूनिट का डोज हर 6 महीनों पे दिया जाता है। अभी ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को विटामिन ए की कमी हो जाती है, लेकिन अगर आपको विटामिन ए की कमी हो तो उसके ट्रीटमेंट करने से पहले आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर विटामिन ए ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो उससे विटामिन ए की टॉक्सिसिटी भी होने लगती है। विटामिन ए की टॉक्सिसिटी से सरदर्द होना और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाना जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। विटामिन ए की टॉक्सिसिटी दो प्रकार की है, पहली है एक्यूट और दूसरी है क्रॉनिक। एक्यूट टॉक्सिसिटी में उबका आना और उल्टी आना जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एडल्ट्स में 300 मिलीग्राम और बच्चों में 100 मिलीग्राम का सिंगल डोज भी विटामिन ए की टॉक्सिसिटी का कारण बन सकता है। जबकि क्रॉनिक टॉक्सिसिटी में नाखून और स्किन का चेंजेस होना, हेयर लॉस, लीवर और बोन का डैमेज होना, डबल विजन, वॉमिटिंग और एटैक्सिया मतलब चलने में, बैलेंस में, बोलने में और कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी होना जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। प्रेगनेंसी में विटामिन ए नहीं देना चाहिए क्योंकि उससे बर्थ डिफेक्ट होने का रिस्क भी बढ़ता है। कई बार जो बच्चे ज्यादा मात्रा में गाजर और हरी सब्जियां खाते हैं उनमें स्किन का कलर चेंज होता है। यह स्किन का कलर वह प्रकार के खुराक बंद करने से बाद में चला जाता है। इस कंडीशन को कैरोटिनेमिया कहते हैं। यह थी जानकारी विटामिन ए के बारे में। इस वीडियो को लाइक करें और अधिकतम से अधिकतम लोगों को शेयर करके पहुंचाएं ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन का लाभ मिल सके। थैंक यू।